जय हिंद दोस्तों। वाटेक वाबाग लिमिटेड, जो वाटर मैनेजमेंट का कारोबार है कंपनी का, स्मॉल कैप का हिस्सा है और 635 नंबर पर रैंक करता है स्टॉक। इसके ऊपर हम स्टडी करने वाले हैं। उसके पहले, आप चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट सेक्शन में विजिट ज़रूर कीजिएगा। वहाँ पे आपको आपके इंटरेस्ट के हिसाब से प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, जैसे स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप और पेनी स्टॉक्स। तो शुरू करते हैं स्टडी वाटेक वाबाग के ऊपर। मार्केट कैप अराउंड 2261 करोड़ रुपए का। स्टॉक की पीई 20, 52 वीक लो 105 रुपये और 52 वीक हाई 396। क्वार्टरली नंबर्स हमारे सामने हैं एंड हम चेक करने वाले हैं जो चार इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट और ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर शेयर, और पिछले चार क्वार्टर को कंपेयर करेंगे। जून 2020 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या था? 29। फिर सितंबर में आई बढ़त हो गया 43, दिसंबर में आई और बढ़त 70 एंड मार्च में और बढ़त आई 76। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जून 2020 में 7, फिर 18, फिर 50 और 55। हर साल धीरे धीरे करके ग्रो हो रही है कंपनी, माफ़ कीजिएगा, हर साल नहीं, हर क्वार्टर को हम चेक कर रहे हैं, हर क्वार्टर में ग्रो हो रही है। आगे नेट प्रॉफिट जून 2020 में 5 था, फिर सितंबर में हो गया 17, दिसंबर में हो गया 42 एंड मार्च में हो गया 47। अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस 0.93 जून में, 2.68 सितंबर में, 6.72 दिसंबर में और 7.48 मार्च 2021 में। बहुत ही बढ़िया फंडामेंटल वाला स्टॉक, हर क्वार्टर में कंपनी धीरे धीरे ग्रो हो रही है एंड ऐसी कंपनियों में जब जब पैसे लगेंगे तो पैसे बनेंगे। जी हाँ, पैसे बिल्कुल बनेंगे। बैलेंस शीट में जाएंगे, कर्ज 305 करोड़ का कर्ज है। मार्केट कैप फिर से देख लेंगे, 2261 करोड़, उसके सामने छोटा सा 300 करोड़ का कर्ज एंड मार्केट कैप से ज़्यादा की एसेट्स है कंपनी के पास, वो है तकरीबन 4161 करोड़ के। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर्स 21.7%, विदेशी संस्था है 14.61%, घरेलू संस्था है 3.26% और पब्लिक के पास मेजॉरिटी हिस्सा दैट इज 60.43%। सबसे पहले तो रिटेल यानी कि पब्लिक को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा, बिकॉज फंडामेंटली बहुत ही मजबूत कंपनी है एंड मजबूती कहाँ देखने मिल रही है, पिछले चार क्वार्टर्स के बेहतरीन नंबर, कर्ज काफ़ी कम है, एसेट्स बढ़िया है, ठीक है। सो बढ़िया तरीके से ग्रो होने वाली कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है, इस पे ध्यान जरूर कीजिएगा। सो पोजीशन ऑलरेडी है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा है। अब चार्ट पैटर्न्स में जाके स्टडी करेंगे, लेवल्स जानने की कोशिश करेंगे। उसके पहले अगर आप ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहे हो तो आपके पास ऑलरेडी डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट होगा एंड आप अगर स्विच करने का प्लान कर रहे हो, मतलब दूसरे ब्रोकर के पास अकाउंट खोलने का प्लान कर रहे हो, या फिर आप मार्केट में नए हो अकाउंट खोलने का प्लान कर रहे हो, तो 5paisa.com को आप कंसिडर कर सकते हैं। वहाँ पर आपके हर ऑर्डर का, मतलब किसी भी वैल्यू का वो ऑर्डर हो, किसी भी सेगमेंट में हो, 20 rupees पर ऑर्डर चार्ज करते हैं। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है, मेरे उस रेफरल लिंक से अगर आप अकाउंट खोलते हो तो आपको 250 rupees की क्रेडिट मिलेगी एंड साथ ही पहले महीने के लिए आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना, दैट इज़ 0 brokerage विल बी चार्ज्ड एंड आपकी तरफ से जो मुझे सहायता मिलेगी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चार्ट पैटर्न्स पे जाते हैं। यह चार्ट पैटर्न वाटेक वाबाग का एंड स्टडी शुरू करेंगे। एक बेसिक फॉलिंग ट्रेंड लाइन को हम ड्रॉ करेंगे एंड क्या देखने मिल रहा है, स्टॉक किस तरह से गिर रहा था देख लीजिए, सारे ही हाई पॉइंट के साथ सारे ही मतलब लो पॉइंट्स को जोड़ दिया है, तो क्या पता चल रहा है एग्जैक्टली स्टॉक उसी के आसपास मतलब काम कर रहा है और ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। अब एग्जैक्टली कल चल क्या रहा है उसको जानने के लिए डेली बेसिस पे हमने कन्वर्ट कर दिया है एंड एग्जैक्टली स्टॉक जो ब्रेकआउट है उसके ऊपर आ चुका है, उसके ऊपर हालांकि लास्ट सेशन की क्लोजिंग नहीं हो पाई, जी हाँ 363 की क्लोजिंग हुई, बट हाँ पूरी कोशिश कर रहा है उसके आसपास जाने की। अब हम स्टडी करेंगे पिछले कुछ समय में स्टॉक की चाल कैसी रही है और लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है स्टॉक के लिए। तो ये पिछले तकरीबन एक साल का चार्ट, जी हाँ एक साल के लगभग का चार्ट, स्टॉक कर क्या रहा है देखिए, स्टॉक ने यहाँ पर लगा दिया एक ट्राइंगल लगा दिया स्टॉक ने, फिर ट्राइंगल लगाने के बाद साथ ही इसी ट्राइंगल के अंदर ना स्टॉक ने यहाँ पे देखिए कर्व पैटर्न को कंप्लीट कर दिया, यहाँ पे एक आगे यहाँ पे दूसरा कर्व लगा दिया, ये दो, फिर और आगे जाएंगे यहाँ पर स्टॉक ने तीसरा कर्व जड़ दिया, यस तीसरा कर्व स्टॉक ने लगा दिया एंड सो तीनों ही कर्व को देखे क्या पता चलता है, स्टॉक एक नया हाई लगाता है, फिर थोड़ा करेक्शन आता है, स्टॉक कंसोलिडेट करता है एंड फिर से जो पिछला हाई था उसको तोड़ के एक नया हाई बनाने की कोशिश कर रहा है। पिछले एक साल से तो यही देखने मिल रहा है। अब लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है ऊपर की तरफ उसको जानने की कोशिश करेंगे।
17 जून को स्टॉक ने एक हाई लगा दिया 396 का, एंड जो हाईएस्ट क्लोजिंग अब तक की मिली है वो है 379.80, यानी कि 380 रुपये की क्लोजिंग अब तक की हाईएस्ट है। सो 380 के ऊपर की जब क्लोजिंग मिलेगी स्टॉक के, मतलब इसके ऊपर की, तब जो है तेजी का नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होगा। इसे मैं कर देता हूँ ग्रीन, 380 रुपये, इस पर ध्यान दीजिएगा। एंड स्टॉक का जो ट्रेंड है वो भी कैसा है देख लीजिए, स्टॉक का ट्रेंड भी ऊपर ही है। ओके 380, मैं 380 यहाँ पर सबसे पहले लिख देता हूँ, 380 के ऊपर की क्लोजिंग, क्लोजिंग मैंने लिख दिया है। अब 380 की क्लोजिंग अगर स्टॉक निकाल देगा तो कहाँ तक जा सकता है स्टॉक, जा सकता है जो रेंज स्टॉक में आ सकती है, देखने मिल सकती है, वो रेंज है 415 से लेके 435, इस रेंज में स्टॉक जाके सेटल हो सकता है। एंड स्टॉक यहाँ पे किस तरह से काम कर रहा है, कौन से चार्ट पैटर्न में चल रहा है वो भी देख लीजिए। स्टॉक काम कर रहा है यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल की जो पैटर्न है देख लीजिए, उसमें 380 की क्लोजिंग उसको निकाल देगा तो एग्जैक्टली ये जो पैटर्न है उसका ब्रेकआउट हमें यहाँ पे देखने मिल सकता है। ओके नाउ, एंड ये जो लाइन है ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, इसको मैं निकाल देता हूँ ताकि हमें कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। एंड उसका भी जो है उसके ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, सो पूरे संकेत है थोड़ी और तेजी बन गई तो स्टॉक एग्जैक्टली इसको निकाल के ऊपर निकल जाएगा। नेक्स्ट इज, अगर गिरावट होती है मार्केट में तो कौन से लेवल के आसपास स्टॉक को पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटली बहुत ही मजबूत स्टॉक है। तो सबसे पहला जो लेवल है वो है 340 एंड नेक्स्ट 320, एंड मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर इन्वेस्टमेंट, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 320 340 यहाँ पर गिरावट में स्टॉक मिलता है तो बखूबी आपको पोर्टफोलियो में ऐड करना है, इसका कलर ये है। ओके 340 320 फॉर इन्वेस्टमेंट। ओके एंड आपको अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। एंड आपसे एक ही चीज़ फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, tradingview.com इस पर आइए, चार्ट पैटर्न्स को ड्रॉ कीजिए, यहाँ पे देख लीजिए असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न, आप इस तरह से पैटर्न को ड्रॉ कीजिए, लेवल्स को जानने की कोशिश कीजिए, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को जानने की कोशिश कीजिए। इस चार्ट पैटर्न में हमने फॉलिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, उसको ड्रॉ करना सीखिए, कर्व पैटर्न का इस्तेमाल किया उसको जानने की कोशिश कीजिए, जो हाईएस्ट क्लोजिंग अब तक की स्टॉक की थी उसको, उसके ऊपर स्टॉक उसको उसको जानना जानना सीखिए, मतलब स्टॉक क्लोज कहाँ हुआ था पिछले दिनों। ओके एंड स्टॉक कहाँ तक जा सकता है वो आपको पता चल जाएगा, नीचे जाएगा स्टॉक तो कहाँ तक जाएगा वो पता चल जाएगा। सो आइए, एंड ये पूरी एंड ये चीज़ फ्री है, tradingview.com जो वेबसाइट है वहाँ पर सब कुछ फ्री में आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है बिल्कुल ही बेसिक सिंपल सरल और सिंप्लीफाइड मैनर में एनालिसिस वाटेक वाबाग, जो वाटर ट्रीटमेंट कारोबार में है कंपनी, एंड 380 की हाईएस्ट क्लोजिंग उसको निकालेगा तो 415 से 35 इस रेंज में स्टॉक चले जाएगा, प्लस मार्केट का जो ट्रेंड है वो भी तेजी में होना जरूरी है। एंड मार्केट अगर गिरावट में आता है तो 340 320 यहां तक जो है स्टॉक निकल सकता है, एंड यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हैं थोड़ा और ऐड करना, या फिर फ्रेश पोजीशन बनानी है तो वहाँ पे आप बना सकते हैं। तो शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, जय हिंद, वंदे मातरम।